झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन 41 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 है। रुझानों के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया कि हम जीत रहे हैं और सरकार बीजेपी की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि अभी रुझानों पर कुछ भी बोलना सही नहीं, बीजेपी विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हमारा गठबंधन चुनाव जीत रहा है और बीजेपी अपनी नीतियों के चलते हार रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता ही किंग मेकर होती है, जैसा भी जनादेश आएगा उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और पूरा परिणाम आने के बाद रणनीति पर विचार किया जाएगा। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया और समाज को तोड़ने का काम किया, इसलिए उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। रुझान में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। वहीं जेएमएम कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनते देख कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। चेन्नई में डीएमके कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ संयुक्त मोर्चा मार्च निकाला, दरअसल रैली की। इस दौरान एमके स्टालिन, पी चिदंबरम समेत कई नेता शामिल रहे। हजारों की संख्या में समर्थक भी मार्च में शामिल हुए। सीएए के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन करेगी, इसके लिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा, प्रिय छात्रों और युवाओं, सिर्फ भारतीय होना महसूस करने से कुछ नहीं होगा, इस नाजुक वक्त पर आपको दिखाना होगा कि आप भारतीय हैं, प्रदर्शन का हिस्सा बने। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की और इस सत्याग्रह में शामिल होने की बात कही। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ये देश एक साझा रिश्ता है, साझा ख्वाब है, इस मिट्टी को हमने मेहनत के रंगों में सींचा है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद कुछ निर्दोष लोगों की पुलिस की कार्रवाई में की जद में वो आए, उनको प्रदेश सरकार को छोड़ना चाहिए। साथ ही कहा कि बिजनौर में जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से निर्दोषों को छोड़ा जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुए बवाल के बाद एएमयू छात्र और नॉन टीचिंग स्टाफ द्वारा एक नोटिस वायरल किया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि एएमयू बीसी और रजिस्ट्रार जितना हो सके तानाशाही कर लें, 5 जनवरी के बाद छुट्टी से वापस आकर छात्राएं यूनिवर्सिटी को उस वक्त तक नहीं चलने देंगे। हरदोई में मुस्लिम भाइयों ने शांतिपूर्वक काली पट्टी बांधकर विरोध तो जताया, पर साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और हिंदू भाइयों को फूल भेंट कर शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी मुस्लिम भाइयों को गुलाब भेंट कर उन्हें सहयोग बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने एकजुट होकर नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया। इस दौरान कानून को देश हित में बताया, साथ ही कानून का विरोध करने वालों को देशद्रोही कहा गया। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा और आगजनी के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मीनाक्षी चौक पर 67 दुकानों और होटलों को सील कर मीनाक्षी चौक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। मेरठ में पुलिस ने दंगाई प्रदर्शनकारियों के फोटो जारी किए हैं, सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की गई है। साथ ही साथ इन सभी के बारे में जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि काफी लोग इसमें घायल भी हो गए थे। चौधरी चरण सिंह की 117वीं जयंती के मौके पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 3 महिला किसानों समेत 33 किसानों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद मंत्री और अधिकारियों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता के रूप में उभरे थे, किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने अच्छे फैसले लिए, तो अब पीएम मोदी किसानों के लिए कई बड़े कदम उठा रहे हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखिल भारतीय स्वामी ईश्वरानंद हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और विधायक आदेश चौहान इस दौरान मौजूद रहे।
उत्तराखंड के कुमाऊं में होली का आगाज हो गया है। कुमाऊं का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां होली पौष महीने के पहले रविवार से शुरू हो जाती है। होली की यह अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। इससे आने वाली नई पीढ़ियों को लुप्त हो रही विरासत से जोड़ा जा सके। नैनीताल की होली धार्मिक एकता को भी दर्शाती है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन घोषणा नए साल से पहले कर दी जाएगी। इसके लिए हाईकमान से मंजूरी दी जा चुकी है और अब सिर्फ प्रीतम सिंह को अपनी नई टीम की सूची जारी करनी है। बीजेपी आरएसएस उत्तराखंड सरकार और संगठन के बीच कार्यों के समन्वय के मद्देनजर समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार और संगठन के कार्यों पर मंथन किया गया। सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए पूर्व एजेंडों की समीक्षा की गई। हरदोई जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आगे आकर प्रतियोगिताओं पर एक सराहनीय पहल की है। डीएम के निर्देशानुसार इस बार हो रही 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय स्कूल के बच्चे भी हिस्सा ले सकेंगे। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आज इस आयोजन का उद्घाटन करते हुए इसकी पहल की है। नागरिकता कानून को लेकर प्रशासन खासा अलर्ट नजर आ रहा है। इंडो नेपाल के गौरीफंटा बॉर्डर पर पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाले हर वाहन और हर शख्स की गहनता से चेकिंग हो रही है। यूपीपीसीएल में हुए पीएफ घोटाले मामले में नया मोड़ आया। पूर्व एमडी एपी मिश्रा के इस्तीफे की फाइल ही गायब कर दी गई है, जिसके लिए लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। कुमाऊं की चमरानी बांध परियोजना को हाल ही में वित्तीय मंजूरी मिलने से इसके निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। इस परियोजना में 2500 करोड़ रुपयों से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद है और इसके बनने के बाद से हल्द्वानी सहित तराई के जिलों के लोगों की प्यास बुझ सकेगी। साथ ही खेतों के लिए सिंचाई का पानी भी मुहैया होगा। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में बाघिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघिन अपने 3 शावकों के साथ सड़क पर टहलती नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों की 3 टीमों का गठन कर दिया है। बाराबंकी में कोहरे के चलते आमने सामने ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर आलापुर के पास ये पूरा हादसा हुआ। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक 50,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था। मुरादाबाद में पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे शंटिंग के दौरान पटरी से उतर गए, जिसके चलते काठगोदाम मुरादाबाद रामनगर पैसेंजर लेट हो गई। यात्रियों को 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। यूपी के बांदा में बीजेपी के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के भतीजे राघवेंद्र द्विवेदी ने शहर के सिविल लाइन चौकी में जहर खा लिया। राघवेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, पुलिस से मदद न मिलने पर परेशान होकर युवक ने जहर खाया। श्रीनगर के बागवान के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे का शिकार हुई कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मुरादाबाद के गलशही थाना क्षेत्र में अचानक शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान का लाखों का सामान जलकर बर्बाद हो गया। दमकल विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं गोदाम में करीब 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हो गई। फांसी के फंदे से लटकता किसान का शव मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक किसान की हत्या करके उसके शव को लटका दिया गया। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का शव मिलने से सनसनी यहां फैल गई। बरामद हुए शव की शिनाख्त अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को सील करके मोर्चरी में रखवा दिया है। गाजियाबाद में बेखौफ कार सवार बदमाशों ने एक पूर्व पार्षद के बेटे को गोली मार दी और फरार हो गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। करीब आधा दर्जन लोगों ने मिलकर एक युवक की खूब पिटाई कर डाली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC हैदरगढ़ में भर्ती कराया। आगरा में इंटरनेट बंद होने से शहर में ऑनलाइन कारोबार को 10 करोड़ रुपयों का नुकसान, महज दो दिनों में ही हो गया। इंटरनेट पर आधारित होटल टैक्सी खाने की बुकिंग ठप रही तो ई कॉमर्स से खरीदारी और नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर समेत बैंकिंग सेवाएं बंद रहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार की उस याचिका के बचाव में तगड़ी दलील दी है, जिसके जरिए सऊदी आरामको के साथ 15 अरब डॉलर के प्रस्तावित डील रोकने की मांग की गई है। कंपनी का यह कहना है कि यह अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि कंपनी पर बकाए की देनदारी को लेकर कोई भी अंतिम मध्यस्थता फैसला नहीं आया है। पिछले कुछ सत्रों में लगातार बढ़ते कर्ज दर्ज करने के बाद इस सप्ताह देश के प्रमुख शेयर बाजारों में सुस्त कारोबार की संभावना है। सेंसेक्स की सूची में फेरबदल के चलते स्टॉक विशेष में उठापटक देखी जा सकती है। बुधवार को क्रिसमस की छुट्टी के कारण बाजार बंद रहेंगे। इस सप्ताह टाटा मोटर्स, येस बैंक और वेदांता को BSE के बेंचमार्क सेंसेक्स से बाहर कर दिया जाएगा। इनकी जगह अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन और नेस्ले इंडिया लेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम निर्बाध तरीके से जारी रहेगा और अगले 5 साल में देश में हाईवे सेक्टर के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही कहा कि फंड की समस्या कभी नहीं और आगे भी नहीं आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महाभियोग पर देरी के लिए संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैंसी पेलोसी पर एक बार फिर से हमला बोला। ट्रंप ने दावा किया कि पेलोसी महाभियोग के लिए उन पर लगाए गए आरोपों को सेनेट को भेजने में देरी कर रही है, जिससे रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले उच्च सदन सेनेट में इसकी सुनवाई में देरी होने की आशंका है। अमेरिका के लॉस वेगास में 3 मंजिले अपार्टमेंट में शनिवार को आग लग जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। इसमें कुछ लोग धुएं से बचने के लिए ऊपर कूद गए। जांचकर्ताओं ने बताया कि लॉस वेगास के टूरिस्ट रिमोंट स्ट्रीट जिले से कुछ ही दूरी पर इस अपार्टमेंट के प्रथम तल के स्टोव से आग लग गई। भारत और ईरान रणनीतिक चाबहार परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने पर सहमत हुए और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ के साथ पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। फिनलैंड में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता सना मरीन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई है। मरीन की उम्र महज 34 साल है। डाक हड़ताल से निपटने में नाकाम उनकी ही पार्टी की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सना मरीन को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। टीम इंडिया ने कटक में खेले गए आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ही भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत के पूर्व कप्तान और द वॉल राहुल द्रविड़ के बेटे समित ने कर्नाटक राज्य अंडर 14 मैच में दोहरा शतक लगाया। समिति ने अंडर 14 इंटर जोनल टूर्नामेंट में वाइस प्रेसिडेंट एकादश के लिए खेलते हुए धारवाड़ जोन के खिलाफ 201 रन बनाए। दबंग 3 को रिलीज हुए 3 दिन बीत चुके हैं। फिल्म ने बड़े पर्दे पर अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया और देश भर में भाषण होने के बाद भी फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 75 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। दूसरे हफ्ते भी फिल्म मर्दानी 2 का जादू देखने को मिल रहा है। फिल्म ने अपने सेकेंड वीकेंड में कुछ अच्छा खासा कलेक्शन किया और फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 35 करोड़ पहुंच गया है।